आज हम सोनी को स्कूल छोड़कर वापस ड्राइव कर रहे थे, कोई 8 बजे से पहले का वक्त होगा, 8 AM से पहले का। तो हमारा जो घर है वो एक रिज पर है, बड़ी ज़मीनें हैं यहाँ पर और इस तरह बहुत घनी आबादी नहीं है इस रोड के आसपास। हमारे घर की तरफ को आते हुए हमारे घर इस सड़क के शुरू में तो बहुत आबादी है, तो यहाँ से जो है जहाँ से आबादी कम होती है, एक रिज इसका जोन शुरू होता है, वहाँ से इसकी स्पीड जो है वो 80 तक इसकी लिमिट है, तो यूजुअली हम 90 पर इस पर आते हैं। तो छोड़ के हम वापस आ रहे थे, तो आते आते हमने देखा कि चिड़ियाँ जो हैं बहुत सारी दूर से हमें दिखाई दी, जैसे कुछ खा रही हैं, कोई चीज़ सड़क के बिल्कुल बीच में है। हमने कभी यहाँ ऐसे नहीं देखा कि चिड़ियाँ जो हैं वो सड़क पे उतरी हुई हों इतनी सारी। तो हमें लगा कि कोई किसी का बर्गर या बन या कोई चीज़ गिरी है या ब्रेड गिरी है जिसको वो खा रही हैं, तो इतनी सारी सड़क के बीच में। तो और हम हैं भी थोड़े नर्म से दिल के, हमें परिंदे वगैरह बहुत पसंद हैं, हमारा दिल इनकी तरफ से बहुत नर्म है कि कहीं किसी को कुछ हो ना, किसी को चोट ना लग जाए। तो जैसे सुबह और शाम का वक्त होता है तो बहुत परिंदे सड़कों से गुजर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम खासकर गाड़ी बहुत तेज़ नहीं चलाते कि ये ना हो उड़ता उड़ता कोई हमारी गाड़ी को ही आन लगे, या कभी डकीज़ के बच्चे देने का मौसम हो या प्लवर्स के बच्चे निकालने का मौसम हो तो वो भी दीवाने से ही होते हैं, एकदम से सड़क में आ ही जाते हैं। तो अगर हमें किनारे पे भी कहीं दिख रहा है तो हम पीछे से ही गाड़ी आहिस्ता कर लेंगे कि कहीं ये ना हो ये भाग कर बेख्याली में बेचारा जो है वो सड़क पे ही आ जाए। तो ये चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। यही वजह थी कि हमने वो जो चिड़ियाँ थी वो बड़ी दूर से देख ली और हमने ब्रेक हिट की, स्लोली हम उसके करीब आए तो हमने देखा कि एक चिड़िया जो है वो कहीं किसी गाड़ी से लगी बेचारी और वो ज़ख्मी हो गई, और वो बाकी की सारी जो चिड़ियाँ थी पास बैठी हुई मैन आई थी वो पीली उनकी चोंच थी। हमने करीब आए तो देखा कि वो उसको उड़ा कर ले जाने की कोशिश कर रही थी, उसके गम में शरीक होने आई थी, पूरा झमघटा लगा हुआ था वहाँ पर उनका। और वो जो बीच में एक चिड़िया भी जख्मी सी थी, वो जख्मी तो नहीं दिखी लेकिन आँखें उसने बंद की हुई थी और कांप रही थी। तो वो जो चिड़िया थी वो बीच में बैठी हुई थी, और वो चिड़िया जो थी वो किसी और नस्ल की चिड़िया थी। हमें ये देखकर बहुत शर्म आई इंसानियत पे, ऑनेस्टली कि हमारा दिल भर आया कि जब हम वापस ड्राइव कर रहे थे तो हमने सोचा कि क्या हाल हो गया दुनिया का कि एक दूसरे की जानें ले लेते हैं, मार देते हैं, गले काट देते हैं और सड़कों पे ज़ख्मी पड़े रहते हैं, लोग उठाकर अस्पतालों में नहीं लेके जाते, पैसा ना दो तो जान नहीं बचाती। कैसी दुनिया के इंसान थे हम, कैसे अशरफुल मखलूकात थे हम कि वो जिस चिड़िया को चोट लगी है वो किसी और नस्ल की चिड़िया है और कौम के लोगों की तरह, और हम लोग जो आज ये तुम्हारा दीन ये और तुम्हारा नस्ल ये और तुम्हारा रंग ये और तुम्हारी कौमियत ये, और हम इस चीज़ के पीछे मरते और मारते हैं, और वो चिड़ियाँ जो बेचारी आके बैठी उसको उड़ा कर ले जाने की कोशिश कर रही थी वो बिल्कुल और नस्ल की चिड़ियाँ थी, ये कहीं से किसी और चिड़िया का बच्चा या कोई चिड़िया बेचारी अकेली ही उड़ी जाती थी, उसका कहीं एक्सीडेंट हुआ है। हमने गाड़ी जो थी हमारे पीछे बहुत बड़ी सारी 4-व्हील ड्राइव आ गई, वो काफ़ी तेज़ी से आ रही थी, उसने देखा कि हम बिल्कुल सड़क के बीच में रुके हैं तो हमने बहुत स्लोली गाड़ी जो है वो उसके पास से गुजार कर आगे कर ली। हमारी ये हिम्मत तो नहीं थी कि हम उस चिड़िया को बचा कर एक साइड पर रखते या उठाते, ज़ाहिर है एक हाई जोन ट्रैफिक एरिया है, कोई बड़ी गाड़ी वाला ही वहाँ पर रुके तो वो उसको उठाकर एक तरफ कर सकता था, और होता भी इसी तरह है कि यहाँ पर अगर कोई लॉस्ट डॉग सा दिखे, जैसे कोई टेल अपनी दबा के बेचारा डरा हुआ इधर से उधर फिर रहा है तो पूरी गाड़ियाँ रुक जाएंगी, कोई डकी सड़क पार कर रही है तो पूरी गाड़ियाँ रुक जाएंगी। बहुत यहाँ पर इस तरह परिंदों का जानवरों का ख्याल किया जाता है, तो ज़रूर किसी ना किसी ने आते हुए उस चिड़िया को उठाकर वेट तक पहुंचाया होगा। तो हमारे पीछे चूंकि गाड़ियां थी हम स्लोली एक साइड से हमने रोकी गाड़ी, बकायदा रोक कर देखा और फिर उसके बाद जो है हम गाड़ी चलाकर आगे आ गए। लेकिन हमारा दिल बहुत इस चीज़ को महसूस किया, हमारे दिल ने कि ये हमसे बेहतर तो यही है कि दूसरे के गम में आकर ऐसे उन्होंने शोर सा मचाया, और ऐसे वो बेचैन दिख रही थी जैसे बहुत तेज़ी कुछ खाती हूँ, लेकिन वो बेचारी सारी आकर उस ज़ख्मी चिड़िया को या जिसको चोट लगी थी जो सदमे में बैठी हुई थी उसको उड़ाने की कोशिश कर रही थी, उसको ले जाने की कोशिश कर रही थी, और वो चिड़िया बिल्कुल और
नस्ल की चिड़िया थी, जरा बड़े साइज की थी और बिल्कुल भूरी थी, वो मैना नहीं थी। इस उसके आसपास सारी मैनाएं बैठी हुई थी। तो इन चीज़ों से सीखना चाहिए, नर्म दिल जो होगा, सच्चा दिल जो होगा, वो इन चीज़ों को देख पाएगा। जिनके दिलों पर मोहर लग गई वो दुनिया में कुछ भी देखने लायक नहीं रहते, और शायद मोस्टली हमारे यहाँ इंसानों के दिलों पर मोहर लग चुकी है।